दोस्तों मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ आपके लिए पिक्सेल डिवाइसेस का अनबॉक्सिंग लाने में। और क्यों एक्साइटेड हूँ, पहली बार ऐसे हुआ है कि पिक्सेल 3 आने के बाद अब पिक्सेल 7 उनकी जो फ्लैगशिप लेवल के डिवाइसेस हैं वो इंडिया में लॉन्च हो गए हैं। ये अभी तक वो बजट सीरीज के, उनके ए सीरीज के लाते थे, बट इट वॉज नॉट अ बजट वाले फोन थे ही नहीं। मतलब पिक्सेल 6 के पास देखोगे 43,000 का था, इसका जो पिक्सेल 7 है वो 50,000 में आ गया। हमने पिछले 2-3 दिनों से इन्हें टेस्ट किया है दोस्तों, एंड आई टेल यू व्हाट, सम थिंग्स आर वेरी 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 सरप्राइजिंग, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगे। कुछ ऐसी भी चीजें जो आई वाज सो सरप्राइज कि भाई ये पिक्सेल डिवाइसेस में क्यों नहीं है, आई मीन इट्स अ गूगल फोन, वो क्यों नहीं है। तो मेरे जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो बहुत मिक्स्ड है, बट इट इज टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड। और सबसे बड़ी जो पॉजिटिव है वो है इसकी प्राइसिंग, 50,000 में पिक्सेल 7 एंड पिक्सेल 7 प्रो जो है वो 70,000 में आपको मिल रहा है। याद रखिए विद ऑल द ऑफर्स, वरना इसकी प्राइस 10,000 से बढ़ जाती है। तो यार लेट्स ओपन टीम पिक्सेल। ओके जी हाँ, ये गूगल ने हमें भेजा हुआ है, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पिक्सेल। ओके लेटर वगैरह है, एंड देयर इज समथिंग, क्या है भाई, मैग्नेट है कुछ। देन यू हैव बोथ दिस बॉक्सेस। जी हाँ, पिक्सेल 7 पतला नहीं है एप्पल के जितना, बट पतला है, विच ऑल्सो टेल्स मी दैट इट डज नॉट हैव समथिंग। या लेट्स सी, ऑलराइट रखते हैं। और कुछ है और कुछ नहीं है, लेट्स कीप दिस असाइड। अब दोनों के पास देखते हैं। वैसे अगर पिक्सेल 7 प्रो और पिक्सेल 7 के बारे में बात करूं तो मुझे पिक्सेल 7 ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है। यस, अगर आप प्राइस के पास देखोगे। फर्स्ट लेट्स ओपन, कलर भी देखिए, ये ब्लैक इज रेगुलर वाला। लुक एट दिस, जी हां, लेमन ग्रास है ये, इसमें हेजल कलर आता है जो थोड़ा अलग है, हमारे पास जो है दैट इज दिस ब्लैक। लुक एट दिस फोन्स मैन। इसके बारे में बात करेंगे और क्या है बॉक्स के अंदर। ओके, अडाप्ट है USB Type A to Type C adapter, सेम चीज है, आपको इसमें भी मिलती है। and then you have USB Type C to Type C cable, and then I think documentation, छोटा सा प्यारा सा documentation. That's about it. चलिए, let's keep this aside. पहले थोड़ा जो less interesting है वो खोलते हैं। वैसे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आता है, कर्व्ड डिस्प्ले है इसका और इसका फ्लैट डिस्प्ले है। इन हैंड फील के बारे में बात करूं दोस्तों, पिक्सेल 7 ये थोड़ा बड़ा लगता है, नॉर्मल थोड़ा स्लिपरी भी लगता है, बट दिस वन फील सो नाइस। पिक्सेल 7 सही में बहुत अच्छा लगता है हाथ में, एंड ऑलराइट That's also nice. वैसे जो ट्रेडमार्क है पिक्सेल डिवाइसेस का, वो जो हॉरिजॉन्टल ऊपर की तरफ कैमरा मॉड्यूल होता है वो इसमें भी है। वैसे आपको दिखा दूं, पिक्सेल 6 के साथ अगर मैं कंपेयर करूं, हमारे पास पिक्सेल 6 भी है, तो ये छोटा हो गया। लुक एट दिस, ओ या, ये पिक्सेल 6 है, ये पिक्सेल 7 है, छोटा हो गया। हाँ, डिस्प्ले भी थोड़ा छोटा है, वैसे फ्लैट डिस्प्ले था उसमें भी। सो या, एंड टॉकिंग अबाउट दिस, इट इज अ बिगर डिस्प्ले। गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन आता है आगे और पीछे दोनों ही तरफ। वैसे दोस्तों अगर पिक्सेल 7 के बारे में बात करूं तो इसमें 2 कैमराज आते हैं, इसमें 3 कैमराज है, उसके बारे में बात करेंगे, वेट फॉर दैट। वैसे वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब। इतने लोग आते हैं, देखते हैं वीडियोस, अच्छा भी लगता है, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लाल बटन प्रेस राइट नाउ। जो फ्रेम है दोस्तों, दोनों की ही मेटल फ्रेम है। वैसे दोस्तों ऐसे लगता है कि देयर इज अ जॉइंट, बट देयर इज नो जॉइंट हियर, ये एंटेना लाइंस हैं। अगर आप पिक्सेल 6 के साथ कंपेयर करोगे तो क्लियरली दिखता है ये अलग है। लुक एट दैट। पिक्सेल 7 का इन हैंड फील, फिर से मैं दूसरी बार कह रहा हूं, बट इट इज रियली नाइस। वेट के मामले में दे आर नॉट वेरी हैवी, इवन पिक्सेल 7 प्रो मेरे हिसाब से शुड नॉट बी अराउंड 205 ग्राम्स, ये जो है शुड बी 180 ग्राम्स और प्रोबेबली लेसर। लेट्स टेस्ट पिक्सेल 7 180 195 ग्राम्स। वाओ, जनरली क्या होता है पता है, मैंने मी 11 अल्ट्रा के साथ देखा था, जब इतना बड़ा मॉड्यूल होता है तो फ्रंट ज्यादा हेवी लगता है और ज्यादा फोन हेवी लगता है, बट नॉट विद दिस। इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है सही में अच्छा है और मुझे लगा था, उस हिसाब से मैंने 180 ग्राम्स कहा था। दिस इज वेरी नाइस। और ये फिर 210 ग्राम्स तक होना चाहिए। लेट्स सी, यप 209.6 ग्राम, सो आई वाज बैंग ऑन। और कुछ देखना है। पोर्ट्स के बारे में बात करूं, यूएसबी टाइप सी है, नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल्स आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों ही तरफ सिम कार्ड ट्रे है। ऑलराइट, देखते हैं। एंड एक सिम, ओ एक ई सिम है दोस्तों, ई सिम का सपोर्ट है, एंड द अदर वन इज नॉर्मल फिजिकल, क्योंकि देखिए पीछे की तरफ कुछ नहीं है, तो एक ई सिम और एक फिजिकल सिम कार्ड स्लॉट दोनों ही फोन्स में। नो एक्सपेंडेबल स्टोरेज। एक चीज बताऊं, इनके जो वॉल्यूम बटन जो है ना नीचे की तरफ है, अप डाउन ये देखिए, एंड पावर बटन ऊपर है। बाकी सब फोन्स में आप देखोगे पावर बटन जो होता है नीचे होता है एंड वॉल्यूम रॉकर ऊपर होते हैं, नॉट विद दीज वन। तो डेफिनेटली आपको कुछ वक्त लगेगा यूज टू होने के लिए। वैसे डिस्प्ले के बारे में बता दूं, जबरदस्त डिस्प्ले है दोस्तों। अगर मैं पिक्सेल 7 के बारे में बात करूं तो इसमें 6.3 इंच का फुल एचडी प्लस 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले आता है। पिक्सेल 7 जो है वो है 6.3, तो 1 इंच से थोड़ा छोटा हो गया और उसकी वजह से फोन का साइज भी छोटा हो गया। अगर मैं इसके बारे में बात करूं पिक्सेल 7 प्रो के बारे में, देन दैट इज अ 6.7 इंच 120 हर्ट्ज 2K डिस्प्ले और वो भी LTPO। जी हां, LTPO है, लेकिन 10 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक जाता है, नॉट अप टू 1 हर्ट्ज। तो शायद फर्स्ट जनरेशन का LTPO होगा, बट LTPO डिस्प्ले है, एंड दिस इज अ कर्व्ड डिस्प्ले। ब्राइटनेस के बारे में बात करूं दोस्तों, दोनों का ही ब्राइटनेस 25% से बढ़ गया है। 1400 निट्स ब्राइटनेस आपको पिक्सेल 7 में मिलता है, पिक्सेल 7 प्रो में 1500 1500 nits, which should be more than enough। अगर मैं स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के बारे में बात करूं, एब्सोल्युटली ग्रेट। मतलब पिक्सल 7 प्रो के तो साइड के दिखते ही नहीं है, नीचे चिन भी बहुत पतली है। सो या वेरी गुड स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। इतना जरूर है कर्व्ड होने की वजह से ये थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर्स लगते हैं, इसके थोड़े स्क्वायरिश टाइप लगते हैं। वैसे डिस्प्ले में HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट है, तो जब नेटफ्लिक्स वगैरह रिव्यू करोगे HDR कंटेंट आपको बहुत अच्छी तरह से दिखने वाला है। और डिस्प्ले के बारे में बात कर रहा हूं तो इमीडिएटली आपको बता दूं मल्टीमीडिया के बारे में भी। इसके स्पीकर्स सही में बहुत अच्छे हैं दोस्तों। वी वर वाचिंग नेटफ्लिक्स सीरीज एंड आई रियली एंजॉयड इट। स्पीकर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, डिस्प्ले तो अच्छे हैं ही, तो एब्सोल्युटली ग्रेट मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस। वैसे दोस्तों एक चीज रह गई अनबॉक्सिंग करते समय, हमने गिराया नहीं। गोरिल्ला ग्लास विक्टस है तो गिराना तो बनता है। स्टार्ट है फोन, लेट्स डू दिस। ओ माय गॉड, वैसे हम पत्थर का सरफेस भी लाने वाले, क्योंकि कुछ लोगों ने हमें बताया हुआ है कि पत्थर पे आपने गिराना चाहिए, देन ओनली। ओ माय गॉड, कितना भी कॉन्फिडेंस हो लेकिन जब फोन गिरता है दोस्तों टेंशन आता है। स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं, इधर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अगर मैं पिक्सल 7 के बारे में बात करूं, 8GB रैम दोनों में ही, ऊपर वाला वेरिएंट भी नीचे वाला भी, 8128 8256। इसमें दोस्तों पिक्सल 7 प्रो में 8GB वेरिएंट नहीं है, 12GB 128GB। जी हां, 12128 ये वेरिएंट है एंड देन 12256। अगर मैं प्रोसेसर के बारे में बात करूं, इसमें आता है टेंसर, कस्टमाइज गूगल का टेंसर 2nd जनरेशन का चिपसेट, जो बेसिकली सैमसंग ने बनाया हुआ है। यू कैन कॉल इट एक्जिनोस 2100 प्लस। जी हां, उस हिसाब से तो सैमसंग का एक्जिनोस प्रोसेसर है, उसी को उन्होंने कस्टमाइज किया हुआ है। लेकिन एक बात कहूं आपसे, 7 कोर जीपीयू आता है जो डायमेंसिटी का जीपीयू है। अब डायमेंसिटी 9000 प्लस में देखोगे तो 10 कोर है, इसमें आपको 7 कोर जीपीयू मिलता है जो डायमेंसिटी 9000 में है। सो या इट इज मिक्स एंड मैच। स्कोर्स के बारे में बात करूं दोस्तों, हमारे पास बेस वेरिएंट है दोनों का ही एंड बिटवीन 7.5 टू 8 लाख के करीब स्कोर आता है, जो मैं कहूंगा कि ऐसे नहीं है कि इट इज आउट एंड आउट फ्लैगशिप। क्यों? क्योंकि अब आजकल के जो फ्लैगशिप है, वी आर टॉकिंग अबाउट मिलियन, 1.1 मिलियन स्कोर, लेकिन इनका 7-7.5 लाख तक आता है। तो परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, हाँ इट इज गुड बट नॉट रियली आउट एंड आउट फ्लैगशिप। लेकिन गेमिंग में दोस्तों यू विल एंजॉय इट। हमने ज्यादा लंबे सेशन नहीं खेले और उसके लिए रुकिएगा, पूरा रिव्यू आ रहा है। कैमरा का भी हम रिव्यू करने वाले हैं, कैमरा बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, उसके बारे में बताने वाला हूं। बट अगर मैं गेमिंग करता हूं शॉर्ट हाफ एन आवर 1 आवर सेशंस दोस्तों, आराम से हाईएस्ट सेटिंग पे आपको 60 FPS मिल जाएगा। सीओडी वगैरह में हमें 90 FPS तक भी मिला है, तो बिटवीन 60 and 90 FPS गेम प्ले मिलता है एंड गेमिंग जो है सही में बहुत स्मूथ है एंड स्पीकर्स वगैरह अच्छे जैसे मैंने कहा। सो ओवरऑल जो मजा आता है, या यू हैव टू एक्सपीरियंस। ऑलराइट, सेंसर्स के बारे में बात करते हैं। सभी सेंसर्स आते हैं दोस्तों, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, यस, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम फेस अनलॉक भी दे रहा है, जो डिसेंटली फास्ट है। मैं ऐसे नहीं कहूंगा फास्टेस्ट बट डिसेंट है। सो ऑल सेंसर्स आर देयर। अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं, वाईफाई 6 ही लेटेस्ट आता है, ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट है, सभी 5G बैंड्स का भी सपोर्ट है, जो भी पॉपुलर बैंड्स है सब का सपोर्ट है। लेकिन उन्होंने अनलॉक किया है या नहीं ये टेस्ट करना होगा, क्योंकि 5G नेटवर्क नहीं है। अगर आपके पास पिक्सल 6 वगैरह है तो अभी भी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं कि लोगों को 5G नहीं मिल रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट आना चाहिए। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। हां, लेकिन 5G के सब बैंड्स हैं इसके अंदर। जी हां, बैटरी 5000 mAh की बैटरी है इस टाइम पिक्सल 7 प्रो में, जो बड़ी बैटरी, आई थिंक बिगेस्ट ऑन पिक्सल 4, एंड 4355 mAh की बैटरी आपको पिक्सल 7 में मिलती है। अगर आप सही में एकदम एक्सट्रीम यूसेज वगैरह करते हो, नॉट एक्सट्रीम हाई, एक्सट्रीम लो यूसेज करते हो, तो गूगल क्लेम करता है 3 दिन तक आपको इसकी बैटरी जाएगी। आई डाउट, बट एक दिन डेफिनेटली मॉडरेट यूसेज में पिक्सल 7 प्रो आपको 1.5 दिन भी चला जाएगा। You should not have any problems. सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट जो मुझे, वाओ, इतना ज्यादा चार्जिंग स्पीड, आई मीन 20 वाट चार्जिंग स्पीड मिलता है आपको एंड 23 वाट मिलता है पिक्सल 7 प्रो में। 23 वाट, वाओ, आई मीन दैट वाज ऑब्वियसली सरकाज़म। 23 वाट यार, एटलीस्ट 40-45 तो होना चाहिए था। वायरलेस चार्जिंग में भी आपको 20 वाट एंड 23 वाट ही मिलता है, बट हाँ 23 वाट अगर आप उनका चार्जर इस्तेमाल करोगे, नॉर्मल ची चार्जर इस्तेमाल किया वायरलेस चार्जर, तो 12 वाट से आपकी बैटरी चार्ज होगी। नाउ चार्जिंग के मामले में डेफिनेटली देयर नीड्स टू बी अ बिग जंप। वैसे आपके फोन में क्या स्पीड देता है आपका फोन चार्जिंग के लिए, जरूर बताएगा। गो टू कमेंट्स एंड टेल मी राइट नाउ। दोस्तों मैं ओएस के बारे में बात करने वाला हूं, 2-3 चीजें मुझे बतानी है उसके बारे में। आई एम लिटिल सरप्राइज, बट कैमरा, आई नो आप कैमरा के लिए रुके हुए हो, उसके बारे में पहले बात करते हैं। 50 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 48 मेगापिक्सल ये सेटअप, ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको मिलता है। जो प्राइमरी 50 मेगापिक्सल का सेंसर है, दोनों में ही GM1 सैमसंग का GM1 सेंसर मिलता है। बट एक बात कहूं दोस्तों, 2-3 चीजें स्टैंड आउट होती है, बट बिफोर दैट इसमें डुअल कैमरा ही सेटअप है, 50 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल, और आगे जो सेल्फी है दोस्तों वो है 10.8 मेगापिक्सल सेल्फी। अजीब रेजोल्यूशन बट है दोस्तों 10.8। सबसे पहले दोस्तों जो स्टैंड आउट चीज है HDR, मतलब कोई भी फोन मुझे नहीं लगता है कि इसका जो HDR होता है दैट इज एब्सोल्युटली नेक्स्ट लेवल, द बेस्ट आई हैव सीन। और कंपैरिजन हमारे ट्रैकिन टेक इंग्लिश पे S22 Ultra आईफोन के साथ हम कंपेयर करने वाले हैं, बट HDR रियली इंप्रेस्ड मी। 12 मेगापिक्सल का जो सेकेंडरी सेंसर है अल्ट्रा वाइड का दोस्तों, वो पिछले टाइम अगर पिक्सल 6 के साथ देखोगे तो थोड़े सॉफ्ट आते थे, नॉट विद दिस वन। कंसिस्टेंटली मैंने पिक्सल कैमरास के साथ एक चीज देखी हुई है, नॉट ओनली विद 7 सीरीज, पहले भी जो पोस्ट प्रोसेसिंग होती है दोस्तों, इट इज क्रेजी गुड, आई मीन क्रेजी गुड। और वो क्रेजी गुड करने के लिए जो शटर स्पीड है, शटर बटन का स्पीड है, वो थोड़ा स्लो है। मतलब जो दूसरे फोन्स में आप देखते हो जैसे ही आप बटन प्रेस करते हो फोटो निकलता है, नहीं दोस्तों, इट टेक्स माइन्यूट ऑफ अ सेकंड मोर। और उतना ही नहीं, शटर बटन क्लिक करने के बाद भी प्रीव्यू आने के लिए भी टाइम लगता है, एंड दैट इज वेयर ऑल दैट मैजिक, कंप्यूटिंग मैजिक जो है वो उधर होता है, और उसकी वजह से जो एंड रिजल्ट है दोस्तों बहुत अच्छा मिलता है HDR के साथ में। और एक चीज जो मुझे सीरियसली इंप्रेसिव लगी वो है इसका टेलीफोटो परफॉर्मेंस। आई मीन इट हैज गॉट 2x, 3x, 5x, 10x। इसके ऊपर मैंने फोटोज निकाले दोस्तों, जो 5x के फोटोज हैं इवन S22 Ultra नहीं बीट कर पाता है उसे, क्योंकि वो जो 48 मेगापिक्सल का सेंसर है वो 5x जूम, वो स्पेसिफिकली उसके लिए, और उसके फोटोज सही में बहुत अच्छे आते हैं। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सुपर रेज जूम। जी हाँ, इसका मतलब जब वो क्लिक कर रहा है 3x का फोटो तो वो सुपर रेज इस्तेमाल करता है, तो आपके जो फोटोज है वो बेसिकली जूम करता है और फिर आपको फोटोज देता है। अगर मैं 10x से क्लिक करता हूं तो 5x का सेंसर इस्तेमाल करता है, उसे जूम करके आपको 10x का फोटो देता है। एंड दीज फोटोज आर फिनोमिनली गुड। मतलब मैं ऐसे नहीं कहूंगा कंपेयर करने के पहले कि S22 Ultra का टेलीफोटो इज वेरी वेरी बैड एंड दिस इज वेरी वेरी गुड। डेफिनेटली इट इज इंप्रेसिव, प्रोबेबली बेटर देन S22 Ultra। और अभी तक आपको पता है कि टेलीफोटो के मामले में S22 Ultra इज द बेस्ट, एंड आई थिंक दिस वन बीट्स इट। बट दीज आर माय फर्स्ट इंप्रेशंस, सो या जस्ट वेट, होल्ड ऑन होल्ड ऑन, सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं कैमरा के बारे में। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा, जो पिक्सल 7 प्रो का जो अल्ट्रा वाइड है ना, उसका एफओवी ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू दैट, पिक्सल 7 का उतना ज्यादा अच्छा नहीं है एफओवी। सो ऐसे लगता नहीं है कि इट इज रियली अल्ट्रा वाइड, फील्स वाइड नॉट अल्ट्रा वाइड। और फीचर्स के मामले में क्या ही बात करूं, और वो भी बताने वाला हूं, ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा बट यू नीड टू नो अबाउट दिस। एक चीज, वीडियोग्राफी में दोनों ही आपको 4K 60 FPS देते हैं, दैट इज गुड। मैंने सेल्फी कैमरा के बारे में नहीं बताया, इवन दो इट इज 10.8 मेगापिक्सल, जो स्किन टोन्स वगैरह आते हैं ना सही में अच्छे आते हैं, और उनका एफओवी भी अच्छा है। तो थोड़े आपको ग्रुप फोटोज, ग्रुप सेल्फीज वगैरह लेने तो भी अच्छे हैं। जो भी फोटोज हमने निकाले हुए स्क्रीन पे तो दिखा रहा हूं, प्लस जी ड्राइव लिंक भी दे रहा हूं, बहुत सारे फोटोज निकाले हुए, गो एंड चेक दैट आउट बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। लेट्स टॉक अबाउट फीचर्स। एक फीचर है दोस्तों फोटो अनब्लर, लिटरली इट इज लाइक मैजिक। बहुत बार ऐसे होता है, वॉइस है दोस्तों, फिर भी बहुत बार ऐसे होता है कि आपके हैंड मूवमेंट की वजह से थोड़ा ब्लर आता है फोटो, आप उसे अनब्लर कर पाओगे। एंड नॉट ओनली फेसेस, ऐसे नहीं है कि सिर्फ फेसेस, बट अगर बिल्डिंग्स वगैरह हैं थोड़े मूवमेंट आ गई है उसमें, यू कैन एक्चुअली अनब्लर देम। लेकिन याद रखिए थोड़े डिटेल्स आप खोते हो, जो भी कॉम्पिटिशनल चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, इट इज इंप्रेसिव। वैसे दो तीन चीजें लॉन्च इवेंट के समय उन्होंने बताई हुई थी जो अभी तक नहीं आई है, एंड विद अपडेट इट इज गोइंग टू कम। सिनेमैटिक ब्लर, जी हां, वीडियोस में जब आप वीडियो निकालोगे जो बोके है वो आप कंट्रोल कर पाओगे, कम ज्यादा कर पाओगे, सिनेमैटिक ब्लर आप कर पाओगे। और मैजिक इरेजर का फीचर तो है ही दोस्तों, पहले भी था, अभी भी आया हुआ है, इट वर्क्स वेल। 4K HDR भी वीडियोस में नहीं आया हुआ है। और एक चीज जो पहले जनरेशन की थी दोस्तों, दैट कुड ओनली डू 8-bit HDR video, but this one does it 10-bit HDR. बाकी सब रेगुलर फीचर्स हैं, स्लो मोशन वगैरह जो है वो है, जो कैमरा ऐप है दैट इज क्वाइट यूजर फ्रेंडली। OS के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ये हमारे पास पहला फोन आया हुआ है अनबॉक्सिंग का, जिसमें आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 13 मिल रहा है। ऑब्वियसली गूगल का खुद का फोन है तो होना ही चाहिए लेटेस्ट, Android 13 आता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये बताऊं, 3 साल के मेजर अपडेट्स एंड 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स उन्होंने कहा है। उससे अच्छा तो सैमसंग करता है, सैमसंग 4 साल के मेजर अपडेट्स प्रॉमिस करता है, बट दिस वन इज प्रॉमिसिंग यू 16, 17 एंड 18। और वैसे भी पहले पिक्सल फोन्स में वो 4 साल के दिया करते थे, अब 3 साल के कर दिए, मतलब कम कर दिए हैं 1 ईयर। I don't know why. लेकिन OS के बारे में अब क्या ही बताऊं दोस्तों, एब्सोल्युटली क्लीन एक्सपीरियंस मिलता है, नेटिव एंड्रॉइड जो एक चाहिए आपको वो मिलता है इसके अंदर, AOD वगैरह सब जो फीचर्स हैं वो सब अब आपको मिलते हैं इसके अंदर, एंड नो ब्लोटवेयर, नो नथिंग, एब्सोल्युटली ऑप्टिमाइज्ड एंड गुड हार्डवेयर, दैट इज व्हाट पिक्सल 7 डिवाइसेस आर फॉर यू। वैसे एक चीज बताऊं, सिर्फ 2-3 दिनों में ही इसमें नहीं देखा मैंने, जो मैट है ना ये पीछे का कैमरा मॉड्यूल, ये एल्यूमिनियम है, इसके ऊपर मुझे स्क्रैचेस नहीं दिखे, बट इसके ऊपर मुझे डेफिनेटली छोटे छोटे स्क्रैच दिख रहे हैं, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। ग्लॉसी वाला मत लीजिए, मैट वाला डेफिनेटली यू कैन लुक एट। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात ये होती है, एट 50,000 पिक्सल 7 जो है, जो फीचर्स वो ऑफर करता है उस हिसाब से मुझे लगता है, और मेरे फर्स्ट इंप्रेशन है दैट इज मोर वैल्यू फॉर मनी। हाँ, एक कैमरा आपको कम मिलता है, 90 हर्ट्स फास्ट रिफ्रेश रेट कम मिलता है, और छोटी स्क्रीन मिलती है, बट ओवरऑल फॉर 50,000 इफ यू कंपेयर विद इट्स पियर्स, वाओ। बट हाँ मुझे ये भी पता है कि पिक्सल 7 प्रो भी बहुत सारे लोगों को अच्छा लगने वाला है। दे वॉन्ट द लेटेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट एंड द बिगेस्ट। पिक्सल 7 प्रो इज फॉर देम। लेकिन फुल रिव्यू, कैमरा रिव्यू, कंपैरिजंस रुकिएगा उसके लिए दोस्तों, मजा आने वाला है करने में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।